तो अभी वहाँ है यहाँ पे जय जलाराम कुमार हाउस जो है एलपी सवानी। यहाँ बहुत सारी वेराइटी मिलेगी खाने में, देखते क्या क्या है। રસાવાલા ખમણના બોક્સ લાગી રહ્યા છે, હમણાં એક સાથે બલ્કમાં ઓર્ડર છે, આજે સન્ડે છે તો બહુ ફ્રી રહેશે।
10 प्लेट पार्सल दे रही है। ऊपर से आ गई है दाना भी है उसमें। बल्क में बनी गया से खम्मा ने आने सारे आवश्यक रसो जे जलाराम खम्मा की खासियत है सावड़ा खम्मा जो मिश्रण पाउडर रहता है उसका पेस्ट बनाया जाता है। अच्छा, खास तरह की दाल उसमें किया जाता है और पूरे सूरत में नहीं मिलेगा कहीं पर, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे जलाराम लिखा होगा। जलाराम नहीं, इस तरह से दाल के साथ लेंगे पैक करा रहा है। इस तरह से मुंबई से है बट अभी सूरत शिफ्ट हुए 5 साल हो गया। तो मुंबई में ऐसी चीज कुछ मिलते थे? नहीं नहीं, हमको मालूम नहीं था। अच्छा, यहाँ पे आने के मालूम पड़ा कि इतनी सब वैरायटीज मिलती है। लोचो खाया कि नहीं आपने? लोचो खाया ना सर, वंडरफुल। तो यहाँ पे रसा वाला खमन खाया, उससे पहले आपकी ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आप रेगुलर खाते थे मुंबई में? थी यहाँ पे मुंबई में, यहाँ पे जहाँ पे सब मुंबई में रेगुलरली मिसल पाव, वड़ा पाव। हाँ, और ये थोड़ा हेल्दी भी है और क्योंकि दाल वगैरह सब आता है। हाँ, टेस्टी भी बहुत है। फर्स्ट वी आर नॉट यूज टू इट बट लेकिन जैसे खाने लग गए वो टेस्ट आने लग गया और अभी हम लोग फूडी हो गए। फूडी हो गए सूरत में आने के बाद, यू नो सब लोग फूडी होते ही फूडी हो जाते हैं। सही है सर। उसके अलावा कमन के अलावा क्या क्या चीज़ें खाते हैं? प्रीफर क्या क्या करते हैं खाने के लिए? समोसा, समोसा एंड ये रस्सा वाला खमन, लोचा एंड और एक क्या आइटम है, और एक कुछ है नाम याद नहीं। पातूरी। हाँ पातूरी। मतलब फुल फैमिली के साथ यहाँ पे लोग आकर एंजॉय करते हैं, साथ में जलेबी भी, जलेबी भी नहीं छोड़ते हैं। वाह, जलेबी तो है। तो बड़े क्या नाम है आपका? सतीश वानखेड़े। सतीश जी, थैंक यू सतीश जी। थैंक यू सर। तो 10 रुपये वापिस देना है। मसाला तो ना रगड़ा वगैरह के पाव है। यहाँ ऊपर तो ये नशा वाला रहता है।